छोड़ो यार, ये भाजपा वाला पूना के सब पागल है, उनको कुछ नहीं जमने वाला। कम से कम आप तो हवाई बस चालू करो ताकि ये मसला बोट चलाने का, गाड़ी चलाने का ना रहे। नहीं कुछ नहीं, वर्ल्ड में कई जगह हम लोग घूमते हैं, देखते हैं। वेनिस एक शहर है जहाँ पानी में उसको बसाया गया है, वहाँ लोग गंडोला में घूमते हैं, कश्मीर में लोग शिकारा में घूमते हैं। आज पी ले रहे हैं ये महानगर पालिका के एहसान से कि हमारे शहर में भी बोट चलाई जा सकती है क्या? सत्ता चलाने के लिए नालायक मंडली इस भाजपा में बैठी है, जो नगर निगम में 99% उनके हमारे पुणेकर जनता ने चुन के दिए हैं, सब टेंडर की मलाई खाने में जुटे हुए। 3 दिन पहले जो बारिश पूना में आया, 4-4, 5-5 फीट पूना के कई रस्तों पर अटका रहा, लेकिन इनके नगर सेवक, MLAs, मिनिस्टर किसी ने छू तक नहीं की। उनका हर एक लक्ष्य खाली टेंडर और उसके ऊपर रहता है। ये महानगर पालिका में पहले गड्ढे थे, अभी पानी भर गया है, ट्रैफिक की समस्या है। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 महीने से गार्डियन मिनिस्टर, पालक मंत्री नहीं दिया गया है। हम बार बार उनको विनती कर रहे हैं कि जरा सोचो, पूना के लिए कुछ देखो, महाराष्ट्र के लिए कुछ देखो, लेकिन सत्ता की मलाई खाने वाले भाजपा वाले कभी सुधरेंगे नहीं। जनता ने अभी उनको सोच के घर पे भेजना चाहिए। नहीं, ये परसों जिस दिन बारिश हुई और पूरे रेनी सीजन में जो हम लोग देख रहे थे, पूरे पूना में पानी भर गया था, लोगों के घरों में पानी जा रहा था, गटर जो है वो खुली थी, वो उस पानी में मिक्स हो रही थी। ये प्रतीकात्मक आंदोलन है। अगर भाजपा के बाजू में कुछ लोग रहते जात पंथ धर्म के लिए, वो वैसे ही अगर रहते हैं तो पूना में ये हालत हो जाएगी कि अपने 2-व्हीलर्स हो, 4-व्हीलर्स हो, अपने घर के पार्किंग में लगा के बोट से अपने को जाना पड़ेगा। उसके भी आगे जाकर गडकरी साहब ने बोला है पिछले कुछ दिन पहले कि हम हवाई बस चालू करें। मेरी गडकरी साहब को विनती है, छोड़ो यार, ये भाजपा वाला पूना के सब पागल है, उनको कुछ नहीं जमने वाला। कम से कम आप तो हवाई बस चालू करो ताकि ये मसला बोट चलाने का, गाड़ी चलाने का ना रहे। हम हवाई बस से फिरेंगे।